12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप और आज हमारे साथ एक खास मेहमान। जी खास मेहमान मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि रोज वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल हमारे साथ 12 से 2 पॉलिटिकल शो में होता है सियासी खबरों को डी कोड करने के लिए, लेकिन आज हमारे साथ शो में शामिल होने जा रहे हैं एक्टर रणदीप हुड्डा। जरा एक्टर रणदीप हुड्डा को यहाँ स्टूडियो में हम आमंत्रित करेंगे। प्लीज रणदीप जी आइए स्टूडियो में आइए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो आज पत्रकारों के पैनल के साथ एक्टर रणदीप हुड्डा स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। रणदीप की फिल्म आ रही है विनायक दामोदर सावरकर पर उन्होंने ये फिल्म बनाई है स्वतंत्र वीर सावरकर। इसी महीने 22 मार्च को फिल्म रिलीज होने वाली है और सावरकर वो किरदार जिनको लेकर राजनीति में कॉन्ट्रोवर्सी बहुत होती रही है। रणदीप अगर मैं आपसे पूछूं तो सावरकर भारतीय राजनीति के ऐसे किरदार रहे हैं जिन्हें आप न्यूट्रल नजरिए से नहीं देख सकते हैं, या तो वो आपके लिए एक हीरो फिगर होंगे या फिर एक विलन फिगर होंगे। तो ये जो फिल्म आप लेकर आ रहे हैं इसमें वीर सावरकर क्या हैं? इसमें फिल्म के तो हीरो ही हैं। हाँ। और इसके अंदर ये एक फिल्म है जो कि सशस्त्र क्रांति, जो कि हमारी क्रांति स्वतंत्रता संग्राम का बहुत बड़ा हिस्सा था, जिसको हमने एक कई मोस्टली किताबों में एक पैराग्राफ में लिख के ख़त्म कर दिया था, जिसके बारे में हमें स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, जो कि पब्लिक डिस्कोर्स का कोई मुद्दा नहीं है। और हम सब यही हम सब ने पढ़ा है कि भारत को आज़ादी अहिंसा से ही मिली थी। ये वो कहानी नहीं है, ये एक अल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि लोगों के सामने आना चाहिए। सशस्त्र क्रांति में बहुत लोग जुड़े हुए थे और जिसके एक आइडियोलॉजिकल लीडर जिन्होंने 1857 को जो हम सिपाही म्यूटनी बोलते हैं, आज भी मैंने स्कूल में सिपाही म्यूटनी पढ़ा था। 1906 में उन्होंने किताब लिखी थी कि 1857 भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, और उसी से जुड़े उसी से प्रेरित हुए बहुत सारे लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ शस्त्र उठाए। और अगर अहिंसावादी सोच हमारे देश में नहीं आती, जो कि हमारे देश की एक इंटरनेशनल आइडेंटिटी भी है, अगर वो नहीं आती तो शायद हम अंग्रेज़ों को मार मार के बहुत पहले भगा देते, उनके अंदर ये डर पैदा कर देते कि अगर वो हमारे ऊपर या भारत में रहेंगे तो उनकी खैर नहीं। और इसी सोच के थे स्वतंत्र वीर सावरकर। और उनके जीवनी में जो सच घटनाएं थीं, जो कि जब मैंने ये पिक्चर शुरू की थी तो मुझे भी नहीं पता था कि उनके साथ क्या क्या हुआ। मुझे पता है क्योंकि मैं हिस्ट्री काफ़ी पढ़ता था स्कूल में। अच्छा। पर जब मैंने सोचा तो एक्चुअली में मुझे उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है, कभी पढ़ाया नहीं गया, कभी बताया नहीं गया। ये फिल्म करने के लिए आपने हाँ क्यों किया था? मुझे बहुत लोगों ने मना किया कि पिक्चर मत करो। हाँ। ये पिक्चर नहीं करनी चाहिए। जितना लोगों ने मुझे मना किया उतना ही मेरी जिज्ञासा बढ़ी, और फिर मैं बोला ये फिल्म क्यों नहीं करनी चाहिए, आप मुझे ये बताइए कि सावरकर क्यों नहीं। जब गांधी जी पे 1980 के दशक पे रिचर्ड एटनबरा ने पिक्चर बनाई थी, सरदार पटेल पे दो दो पिक्चरें बन चुकी हैं, राजा रवि वर्मा पे रंगरसिया पिक्चर में खुद कर चुका हूँ, चार्ल्स सोबराज का रोल कर चुका हूँ, तो सावरकर का रोल करने में इतनी आपत्ति क्यों? क्या खास तैयारी करनी पड़ी इस रोल के लिए? स्क्रिप्ट के लिए हाँ करने से पहले क्या तैयारी की, कुछ पढ़ा? इसके तैयारी सबसे बड़ी ये थी कि स्क्रिप्ट मैंने ही लिखी है। ओके। तो इसके लिए मैंने बहुत रिसर्च की, अंग्रेजी हिंदी में बहुत किताबें पढ़ी। सावरकर जी के साथ एक ट्रेजेडी ये थी कि सावरकर जी के बारे में ज़्यादातर जो लिखा था और जो उन्होंने भी लिखा था वो मराठी में था। ठीक। वो लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाए, इसलिए जानबूझ के ये पिक्चर मैंने हिंदी में बनाई है ताकि लोगों तक ये पहुँचे, पूरे हिंदुस्तान तक ये कहानी पहुँचे। सावरकर जी एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर हैं, पर उनका जो योगदान रहा है वो और उनका जो बलिदान रहा है, उनको दो, अब लोग उनको पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, माफी वीर बोलते हैं, मैंने सुना है राहुल गांधी जी ने बोला था माफी वीर, मैं गांधी हूँ, मैं सावरकर नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और ये स्टेटमेंट बहुत गलत है, बहुत अनएजुकेटेड स्टेटमेंट है, क्योंकि जो माफीनामा जिसके बारे में लोग बात करते हैं वो याचिका होती है, कोर्ट में बेल प्ली होती है। अगर आप जुडिशियल प्रोसेस में जाओ, आप सभी के पास उपलब्ध होता है कि आप बेल पिटीशन आप लिख सकते हैं। हाँ जी। यही उन्होंने लिखी थी, ना सिर्फ अपने लिए पर सभी के लिए लिखी थी, सबको इंकरेज किया था, क्योंकि उनका ये मानना था कि यहाँ उनको 50 साल की सजा हुई थी। बिल्कुल, 25-25 साल करके दो उम्र कैद हुई थी, वो किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को कभी नहीं हुई। और अगर वो माफी मांग रहे थे तो उनको 27 साल कैप्टिविटी में क्यों रखा? जी इसलिए रखा क्योंकि वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थे अपनी बातों में, अपनी लिखाई में, लोगों को कन्विंसिंग पावर उनमें बहुत ज्यादा थी, तो इसीलिए अंग्रेज उनसे डरते थे। और एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।